नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया फर्स्ट न्यूज में। मैं हूं दृष्टि जैन। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर पेट्रोलियम पदार्थों से सब्सिडी खत्म नहीं हुई तो देश दिवालिया हो जाएगा। पाकिस्तान वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल बोले, सरकार अगर पेट्रोलियम पदार्थों से छूट खत्म नहीं करेगी तो देश में गरीबी के काले बादल छाने लगेंगे। श्रीलंका की मिसाल देते हुए बोले, वक्त रहते ही हमें सुधर जाना चाहिए ताकि आईएमएफ के साथ बेहतर रिश्ता कायम हो सके। तमाम राजनीतिक लड़ाई के बाद पाकिस्तान अब बेहद बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। खाद्य पदार्थों के साथ ही तेल की कीमतें भी वहां आसमान छू रही हैं। पिछले दिनों देश में पेट्रोल की कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी की गई थी। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज हासिल करने के लिए किया गया था, क्योंकि कर्ज के लिए शर्त यह थी कि पाकिस्तान तेल सब्सिडी खत्म करे। सोमवार को जियो न्यूज के एक कार्यक्रम में कैपिटल टॉक विषय पर बोलते हुए मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी पेट्रोलियम उत्पाद से छूट समाप्त करने की बात कह रहा है। आर्थिक स्थिरता के लिए और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मल्टी बिलियन डॉलर कार्यक्रम को दोबारा शुरू करने के लिए सरकार ने पिछले ही महीने पेट्रोल कीमतों में प्रति लीटर 60 रुपए की बढ़ोतरी की थी। पिछले हफ्ते में बढ़ा था 30 रुपए, इस हफ्ते में 30 रुपए बढ़ा है। ये तो महंगाई होनी है, तूफान तो आना है महंगाई का, इसका कुछ भी हल नहीं है। इस बढ़ोतरी के बाद ये आसार थे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कार्यक्रम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा, लेकिन व्यक्तिगत आयकर के ठीक तरह से लागू नहीं होने के चलते बजट बिगड़ा हुआ है, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पाकिस्तान सरकार से खुश नहीं है। बता दें कि मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि इमरान सरकार ने भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ सहमति के फैसले नहीं लिए थे, मगर हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ बेहतर रिश्ते कायम हो, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ बेहतर समझौते के बाद चीनी बैंक से ऋण की सुविधा मिल सकती है, जिससे पाकिस्तान अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौट पाएगी। ऐसी जानकारी और वीडियो देखने के लिए इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।